हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ साइंस का ज्ञान। मैं प्रेमा भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में कि हम कंकाल तंत्र के बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे, तो आज हम आपके लिए कंकाल तंत्र की पूरी डिटेल वाली एक वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हमारा जो कंकाल तंत्र है या हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं, लगभग 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं से मिलकर हमारा कंकाल तंत्र बने रहता है। अब इसकी जो हड्डियों का आकार होता है वह चार प्रकार से होता है। एक होती है हमारी लंबी हड्डी, जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारे हाथों की हड्डियाँ हैं। अब आप देख सकते हैं जो बाँह है यह हमारी लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर के अंदर, और छोटी हड्डियों में आते हैं हमारे जो पंजे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, इन्हें हम छोटी हड्डियाँ कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे शरीर में चपटी हड्डियाँ, ठीक है। चपटी हड्डियाँ हमारी घुटनों के पास होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली उसको बोलते हैं कि घुटने की कटोरी, सुनने में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो जो घुटने की कटोरी बोलते हैं वो एक चौड़ी कटोरी की तरह होता है, तो इसीलिए यह होती है चपटी हड्डी होती है। और उसके बाद हमारी आती है अनियमित आकार की हड्डियाँ आती हैं, ठीक है। अनियमित आकार की हड्डियों में हमारे आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रीढ़ की हड्डी जो पीछे है, रीढ़ की हड्डी हो गई, इसमें बहुत सारी अनियमित आकार की जो हमारे शरीर में जो भी हड्डियाँ होती है वह अनियमित आकार की हड्डियाँ कहलाती हैं। इसके बाद अब आते हैं हम कंकाल तंत्र में, जैसा कि आप देख रहे हैं यह हमारी खोपड़ी का की हड्डियाँ हैं, और ये रीढ़ की हड्डी है, यह छाती की हड्डियाँ हैं, यह हमारे हाथ कलाइयाँ और पंजे की हड्डियाँ हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं हमारे शरीर के पूरे ढांचे की हड्डियाँ इस कंकाल तंत्र में हमें देखने को मिलती हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, हमारे जो कंकाल तंत्र है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है, एक भाग है जो इसका ऊपरी भाग है, इसको बांटा गया है अक्षीय कंकाल में, और इसका जो निचला भाग है उसको निचला भाग या कह सकते हैं जो ये साइड की हड्डियाँ होती हैं और जो निचला भाग होता है यह बांटा गया है हमारा बाहरी कंकाल में। अब किस प्रकार से इसको बांटा गया है और क्यों बांटा गया है, देखिए जो हमारा अक्षीय कंकाल होता है वह खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और हमारी खोपड़ी, मेरुरज्जू और इस छाती की हड्डियों से यानी कि सीने की हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अक्षीय कंकाल कहते हैं। यह हमारे शरीर के ढांचे को लंबा बनाने में सहायता करता है। अब हमारा जो बाहरी कंकाल है वह जैसे कि आप देख सकते हैं हाथ की हड्डियाँ, कंधा और पैर की हड्डियाँ, पंजे, इन सब से मिलकर बाहरी कंकाल बनता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर को पूरा फ्लेक्सिबल तरीके से जब हम चलते हैं तो सारा जोर हमारा पंजों पर पड़ता है, पंजों पर पड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पंजे और इसकी एड़ियाँ, इस पर हमारा पूरे शरीर का बैलेंस बने रहता है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं तो इस पर हमारा पूरा बैलेंस बनता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे हड्डियों का जोड़ होता है, ठीक है। तो जो हमारे शरीर की जो मजबूत हड्डी होती है सबसे, वो होती है हमारी ये, इसको हम फीमर कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन आप देख सकते हैं फीमर, इसको कहते हैं जांघ की हड्डियाँ। ये सबसे मजबूत हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर की, क्योंकि हमारी बॉडी का पूरा भार यहाँ पर आके रुकता है और यहाँ से सीधे पंजों पर हमारा भार जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा यह पूरा स्केलेटन यानी कि पूरा कंकाल तंत्र है, जिसके बारे में हमने आपको आज बताया। आप देख सकते हैं इसके पंजे की हड्डियाँ इस प्रकार से होती हैं, और इस प्रकार से देख सकते हैं सीने की हड्डियाँ हैं, और ये यहाँ पे इसके कंधे की हड्डियाँ आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जोड़ों से मिलकर हमारा कंकाल तंत्र बना रहता है, जो हमारे शरीर के ढांचे को बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जोड़ होते हैं, फिर यहाँ पे कोहनी का जोड़ आप देख सकते हैं हड्डियों में, यहाँ पे कंधे का जोड़ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके घुटने का जोड़ है। इस प्रकार से ये जो कंकाल तंत्र है हमारे शरीर में बहुत प्रकार से हमारी मदद करता है। देखिए, सुरक्षा करने के लिए जो हमारा यह शरीर का ढांचा है, इसके अंदर हमारे और भी बहुत सारे जो होते हैं पार्ट्स होते हैं हमारे शरीर के, उन पार्ट्सों में जैसे हम कहीं पे अगर चोट लगती है तो इन हड्डियों में, हड्डियों की वजह से हमारे अंदर के जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के उनमें चोट नहीं लगती है, उससे हमें ये क्या कहता है सुरक्षा प्रदान करता है। और साथ ही जो इसमें होता है, देखिए अगर कंकाल तंत्र ना हो, अगर ये हड्डियाँ हमारे शरीर में नहीं होंगी, तो अगर हमारे शरीर में या हमारे सर में कहीं पे भी थोड़ी सी जोर से चोट लग जाए तो वह हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आघात करेगी, बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को इफेक्ट पड़ेगा, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन इस कंकाल की वजह से यानी कि इन हड्डियों की वजह से हमारे शरीर के अंदर के पार्ट्सों को बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसीलिए हमारा शरीर में जो यह कंकाल तंत्र है यानी कि ह्यूमन स्केलेटन है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए यह हमारे
हमारे शरीर को बहुत सारे नुकसानों से बचाता है, जैसे कि बहुत मतलब हल्की सी चोट लगने से भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, उससे हमें यह मदद करता है हमारे रोज चलने फिरने में, उठने बैठने में। इसके द्वारा ही हम चल उठ फिर पाते हैं, क्योंकि हड्डियों को फ्लेक्सिबल तरीके से जो भी खनिज मिलते हैं बाहर से वो हड्डियों में जमा होते हैं, और जो भी हमारे खून के कण उजागर होते हैं या खून के कण जो बनते हैं वह सब इनसे ही बनते हैं, इसीलिए हड्डियों का हमारे शरीर में होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, ये था ह्यूमन स्केलेटन का वीडियो जिसके बारे में हमने कुछ डिटेल्स आपको दी हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।